हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत और आज हम बात करने वाले हैं अनलिमिटेड पावर के बारे में कि क्या होता है अनलिमिटेड पावर। ये हमको कहीं बाहर से नहीं लेना पड़ता, ये ऑलरेडी हमारे अंदर है। हमने अपने अंदर की पावर को कैसे बाहर निकालना है? अगर हमारा माइंड सेट अच्छा होगा, हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी पावर वो निकल सकती है बाहर, बट अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो वो पावर अंदर ही अंदर ही रह जाएगी, हम उसको कभी बाहर नहीं निकाल पाएंगे। मान लीजिए हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हमारा कोई एक गोल है, हमने वहाँ तक पहुँचना है, तो ना जाने हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी ज़्यादा परेशानी आएंगी, कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी। बट अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे कि नहीं, मुझे वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है, ना जाने कितनी ज़्यादा मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कितनी बार मैं फेल हो जाऊँ, बट नहीं, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो वो एक होती है हमारी पॉजिटिव सोच कि हम हार नहीं मानेंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि हम ना जाने वहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी कठिनाइयाँ आ जाती हैं, बट हम अपने अपने आप में ही हार मान लेते हैं। वहाँ पे हम हार बाद में मान लेते हैं, बट हमारे अंदर हमारी हार पहले ही हो जाती है कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। अगर मैं बात करूँ, इंसान ही सब कुछ करता है। आज इंसान ने क्या कुछ नहीं कर दिया है, आज नहीं तो कल आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, सक्सेसफुल होना ही पड़ेगा। उसके लिए अपनी अंदर की पावर को जगाना पड़ेगा आपको। आज इस टाइम पे ना जाने कितने सक्सेसफुल लोग जो सक्सेस हुए हैं, वो पहले कुछ नहीं थे, बट आज वो कहाँ पहुँचे हैं, सिर्फ अपने अंदर की पावर की वजह से। अपने अंदर की पावर उन्होंने जगाई, अपने अंदर की शक्ति उन्होंने जगाई कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, बट उन्होंने किया। वो डाइवर्ट नहीं हुए कि कभी हमने वो वाला गोल पकड़ लिया, कभी वो वाला गोल पकड़ लिया, कभी वो पकड़ लिया, नहीं, वो एक ही स्टैंड रखा उन्होंने कि हमने वो करना है, तो वो किया उन्होंने। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आप आग पे चल सकते हैं, तो आप चल पाएंगे आग पे? जी हाँ, हम आग पे चल सकते हैं। ये सिर्फ हमारे अंदर का वहम होता है कि हम नहीं चल सकते। ये मैं नहीं कहता, ये कहते हैं टोनी रॉबिन्स। ये एक बेस्ट ऑथर के साथ साथ ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में 3 साल में चेंज ला दिया। ये एक बड़े दुखी इंसान थे, ना तो इनकी लाइफ में अच्छी जॉब थी, ना ही अच्छे रिलेशन थे, बट 3 सालों में इन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर दी। अपनी लाइफ के साथ साथ ना जाने कितने लोगों की लाइफ चेंज कर दी इन्होंने, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो आम आदमी हो। खुद को तो इन्होंने खुशहाल बनाया ही बनाया, साथ में लोगों को भी खुशहाल बनाया, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बने। टोनी रॉबिन्स ने 25 साल की उम्र में ही एक अच्छी सक्सेस हासिल कर ली थी, दौलत शोहरत सब हासिल कर लिए थे। एक अच्छे ऑथर के साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बने। तो आज हम उन्हीं की बुक के बारे में बात करेंगे जो कि है अनलिमिटेड पावर। मैंने मंगवाई है फ्लिपकार्ट से, तो इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। यहाँ से कर लेते हैं हम इसको कट। तो गाइज, ये है अनलिमिटेड पावर बुक। यहाँ पर लिखा हुआ है द इंटरनेशनल बेस्ट सेलर एंथनी रॉबिन्स अनलिमिटेड पावर। इसकी कितनी ही मिलियन ऑफ बुक्स कॉपीज बिक चुकी हैं। तब हम बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में। इस बुक का साइज़ एकदम परफेक्ट है, आप कंफर्टेबली इसको पकड़ के रीड कर सकते हैं। और इसका प्रिंट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर इसके पेजेस के प्रिंट की बात करूँ तो वो भी अच्छे हैं। एंड अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस है MRP 599 रुपीज़, बट मैंने इसको परचेज़ किया है 250 में। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो गाइज, अब मैं आपको एक बार इसको क्लोज से भी दिखा दूँगा कि इसके अंदर कौन कौन सा मटेरियल है, क्या किस बारे में इन्होंने बताया हुआ है इसके बारे में। तो बुक को कर लेते हैं हम ओपन। सेक्शन फर्स्ट, द मॉडलिंग ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। फर्स्ट, द कम्युनिटी ऑफ किंग्स। टोनी रॉबिन्स ने कई सक्सेसफुल लोगों को बड़े गौर से देखा था। उन्होंने नोटिस किया कि उन सब में सक्सेस का एक चीज़ कॉमन था। टोनी रॉबिन्स ने उनको अल्टीमेट पावर का नाम दिया। इसमें 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है कि टारगेट सेट करना। इसका मतलब ये होता है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। एंड स्टेप नंबर सेकेंड होता है कि एक्शन लेना, मीन्स कि गोल की तरफ कदम बढ़ाना। पर कभी कभी जो हम एक्शन लेते हैं वो गलत भी हो जाते हैं, आपको अपनी मंजिल की तरफ ले जाने के बजाय आपको रास्ते से भटका देते हैं। इसलिए आपको स्टेप नंबर 3 की ज़रूरत होती है, जो कि है अपने एक्शन को मॉनिटर करना, उनका फीडबैक लेना। एंड लास्ट 4th आ जाता है बिहेवियर, अपने बिहेवियर को चेंज करना, जिसका मतलब होता है कि अपने एक्शन में तब तक बदलाव करते रहना जब तक आप अपने टारगेट को हासिल ना कर लें। एंड जब आप बुक परचेस करेंगे तो आपको अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ने के लिए मिल जाएंगे, जैसे सेकंड सेक्शन है द अल्टीमेट
सक्सेस फॉर्मूला, एंड सेक्शन थर्ड है लीडरशिप द चैलेंज ऑफ एक्सीलेंस। तो मैं आखिर में यही कहूँगा आपसे कि आप ज़रूर एक बार इस बुक को परचेज़ करें, इसको पूरा रीड करें शुरू से लेके एंड तक। अब मैं आपको ये पूरी पढ़कर तो यहाँ पे नहीं बता सकता, तो आप इसको परचेज़ करें और एक बार पूरा पढ़ के देखें। तो गाइज़ कैसी लगी आपको मेरी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।